दोस्तों, एसयूवीज की दुनिया में महिंद्रा एक ऐसा ब्रांड है जिसको किसी प्रकार के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्होंने इंडियन खरीदारों को कई सफल एसयूवीज दी है। एक और ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बार बार टेस्टिंग करते हुए देखा जाता है, वह है 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो में अपने खरीदारों के लिए क्या है। वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और जो जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो डिजाइन। दोस्तों, 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो को एक अग्रेसिव डिजाइन लैंग्वेज मिलेगी जो XUV700 से मिलती जुलती होगी। इसमें नए डिजाइन के शार्प LED हेडलैम्प और एक DRL डिजाइन मिलेगा। SUV के सेंटर में एक नया ट्विन पीक्स महिंद्रा लोगो के साथ एक लार्ज ग्रिल भी होगी। 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए बम्पर और फोग लैंप को फिर से डिजाइन किया जाएगा। साइड प्रोफाइल को नए अलॉय व्हील्स के साथ एक्सटेंडेड लुक मिलेगी। आपको ये अलॉय व्हील्स पसंद आए या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस SUV के पिछले हिस्से में नए डिजाइन के टेल लैंप और बम्पर मिलेगा। ये सभी के सभी चेंजेज इस SUV की रोड प्रेजेंस को और बढ़ा देंगे। इस SUV के इंटीरियर को भी एक मेजर अपडेट मिलेगा जो कि अब हमें अप मार्केट फील देगा। इसके दोनों और वर्टिकल AC वेंट के साथ सेंट्रल टच स्क्रीन मिलेगी। SUV में XUV700 की तरह AC कंट्रोल के साथ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट भी मिलेगी। महिंद्रा 2022 स्कॉर्पियो में सनरूफ भी देगी, वो पैनोरामिक हो भी सकती है और नहीं भी। आपके क्या विचार है, होनी चाहिए या नहीं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो स्पेसिफिकेशन है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि महिंद्रा नई पीढ़ी की स्कॉर्पियो को डीजल के साथ साथ पेट्रोल इंजन के साथ भी पेश करेगी, जैसा कि उसने XUV700 और थार के साथ किया था, जिसकी वजह से इसकी सेल लगभग डबल ही हो जाएगी। जिन इंजनों की पेशकश की जाएगी वो ज़्यादातर वही होंगे जो वर्तमान में थार पर देखे जाते हैं। थार का 2.0 लीटर एम स्टाइल पेट्रोल इंजन 150 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि XUV700 MX वेरिएंट का 2.2 लीटर एम हुक डीजल इंजन 153 PS की पावर और 360 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बताया जा रहा है कि इन दोनों इंजनों को हायर पावर और टॉर्क के साथ अलग अलग स्थिति में पेश किया जाएगा। दोनों इंजनों को मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी पेश किया जाएगा। फीचर्स है दोस्तों, 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो में कुछ सेगमेंट लीडिंग फीचर्स जैसे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एरो ट्विन ब्लेड वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, थर्ड रो AC वेंट्स विद चार्जिंग पोर्ट्स एंड इन कैबिन वॉइस असिस्ट मिलेंगे। 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो में ड्राइव मोड्स भी मिलेंगे। ये मोड्स कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग को आसान बना देंगे। चुनने के लिए अलग अलग ड्राइव मोड्स होंगे, मड मोड, स्नो मोड और सैंड मोड। इस SUV में 4x4 वेरिएंट भी मिलेगा जो उत्साही लोगों को ध्यान में रखते हुए 4H और 4L ट्रांसफर बॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। 2022 स्कॉर्पियो में हिल असिस्ट और हिल रीसेट कंट्रोल भी दिए जाने की 100% उम्मीद है। प्राइस एंड लॉन्च। दोस्तों, ट्रेंड को देखते हुए महिंद्रा आमतौर पर नेशनल हॉलीडेज पर अपनी कार लॉन्च करती है। उन्होंने 2 अक्टूबर 2020 को थार लॉन्च किया था और महिंद्रा XUV700 को 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। 26 जैन 2020 को अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम महिंद्रा की ओर से 2022 स्कॉर्पियो से जुड़ी कुछ खबरों की उम्मीद कर सकते हैं। इस 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो को हाल ही में लॉन्च हुई XUV700 के नीचे रखा जाएगा। जैसे ही चीज़ें विकसित होगी वैसे ही मैं आप लोगों को SUV के बारे में और ज़्यादा अपडेट देता रहूँगा। इसीलिए बोल रहा था, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर कर लें। दोस्तों, गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस 11 से 18 लाख रुपये हो सकता है। आपको क्या लगता है, गाड़ी मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म करेगी और गाड़ी का क्या प्राइस हो सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक के साथ एक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या आते रहते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।